संजू बाबा की कमबैक फिल्म भूमि पर चली सेंसर की कैंची। जी हाँ, हम एकदम सही कह रहे हैं। संजय दत्त की भूमि पर सेंसर बोर्ड ने 13 बार फावड़ा चला दिया है। उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म भूमि को हाल ही में सेंसर बोर्ड ने देखा और यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए पास कर दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म में 13 जगह कट्स लगाने के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें एक रेप का सीक्वेंस भी शामिल है। सोर्सेज के मुताबिक सेंसर की इस बात से भूमि के डायरेक्टर इत्तेफाक नहीं रखते थे और उन्होंने इसका विरोध किया है। उनका कहना था कि कहानी के दौरान इस सीक्वेंस का बड़ा महत्व है। इसके लिए उन्होंने हाल ही में आई श्रीदेवी की फिल्म मॉम का उदाहरण भी दिया, जिसकी कहानी एक बेटी के रेप के बाद माँ के बदला लेने पर बेस्ड थी। सूत्रों के मुताबिक सेंसर ने भूमि टीम के तर्क सही नहीं माने हैं और 13 कट्स लगाने के लिए कहा है। संजय दत्त और अदिति रॉय हैदरी स्टारर भूमि एक पिता और बेटी की कहानी है। फिल्म में बेटी के साथ हादसा हो जाता है और संजय दत्त उसका बदला लेते हैं। भूमि 22 सितंबर को रिलीज हो रही है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मिर्ची बॉलीवुड।